हेलो। तो भाइयों आपको बता दूं कि पल्सर की टाइमिंग आपको कैसे मिलानी है। ये जो आप देख रहे हैं टॉप टी और एक कट यहाँ देख रहे हैं हेड के बिल्कुल साइड में और एक कट यहाँ हेड के साइड में बिल्कुल देख रहे हैं। तो ये हमारा इसका हेड का टॉप है जो केम का टॉप है। और आप नीचे आके देख सकते हैं कि ये हमारा जो जीपीटी गिरा रही है इसको हेड में चैम्बर के बिल्कुल साइड में कट लग रहा है, इससे मिलानी है। ये हमारा जो पिस्टन का टॉप है ये है। तो जब भी आप इसको फिट करें तो ये याद रखना कि ज़रूरी नहीं है आप मैग्नेट साइड जाएं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से टॉप मिला सकते हैं और केम में यहाँ से केम यहाँ पर और टॉप आप देख सकते हैं दोनों साइड कट है और बीच में आपका टी है जो टॉप है। ठीक है, दूसरा आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप गाड़ी फिट करवाएं तो जो ये वाशर है बैरिंग के साथ में ये इस हेड की कट में ही डलना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से सेट नहीं करोगे तो गाड़ी के हेड में दिक्कत आएगी, आवाज़ आएगी। दूसरा एक चीज़ याद रखना भैया कि जब भी आप गाड़ी का इंजन कर रहे हैं तो जो स्पार्किंग प्लग है या आप ओरिजिनल ही डाल लें, बोस कंपनी के डाल लें या फिर आपको एनजीके के या चैम्पियन के, ये भी ओरिजिनल है। दूसरा क्लच प्लेट जो कंपनी रिकमेंडेड करती है वही डलवाएं। आपको बता दूँ ओरिजिनल ही डलवाना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सेम साइज मिला के हीरोंडा की भी डाल देते हैं कई बार, बहुत सी गाड़ियों में बजाज की गाड़ियों में हीरोंडा की भी डल जाती है। तो इससे होता क्या है कि आपकी गाड़ी में चलेगी मगर जो पिकअप जो कंपनी इसमें पिकअप देती है जो इसका बीएचपी पावर है जो इसकी वो इसकी उस हिसाब से नहीं चलेगी। दूसरा आपको बता दूँ जब भी फ्यूल टैंक पाइप आप जब भी लगवाएं तो आपको बात बता दूँ कि आपको ये भी बजाज की डलवानी है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रीज़न है गाड़ी में गर्मी में आग लगने का। बहुत बार क्या होता है कि पाइप फट जाती है चलती गाड़ी में, पेट्रोल बिखरने की वजह से आग लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा भैया बात ये है कि आपको बता दूँ कि आपको इसमें दूसरा आपको बता दूँ कि आपको बता दूँ कि इसमें क्लच केबल भी डलेगी क्योंकि इनकी क्लच प्लेट क्लच केबल जो है क्लच बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, मतलब कि क्लच बिल्कुल स्मूथ नहीं थी, क्लच में गांठ बन चुकी थी। तो हमने क्या किया है कि इसकी क्लच केबल बिल्कुल बजाज की जेन्युइन मंगवाई है। दूसरा जितनी हैवी बाइक होती है उसमें ऑयल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है गाड़ी के इंजन की लाइफ में। तो आपको करना है क्या है कि अगर आपकी बाइक 150 cc से ऊपर है तो आप 7100 डलवा सकते हैं, 20W50। 7100 ये मोटुल का ऑयल है, इसका MRP है 935 रुपये। आप देख सकते हैं 935 रुपये है इसका MRP। दूसरा आपको बता दूं मोटुल बहुत बेस्ट कंपनी है, ये बाइक की परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत अच्छी है।